हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास एंड टुडे आई स्टार्ट अवर सोशल स्टडीज़ क्लास. ओके, सो स्टूडेंट्स यू कैन सी दैट सोशल इन आवर सोशल स्टडी का वी गोना डिस्कस अबाउट द डिवीजन एंड एमसीक्यू क्वेश्चन बिकॉज वी कंप्लीटेड आवर सिलेबस. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. सो एमसीक्यू क्वेश्चन यू कैन सी डैश डिसम्बर इज कॉल्ड विंटर सॉल्स्टिस. सो ऐसा हो सकता है कि सिर्फ ये क्वेश्चन आया हो कि डैश इज़ कॉल्ड विंटर सॉल्स्टिस, उसके बाद ऑप्शन में डेट्स होंगे. ओके, जैसे कि यहाँ पे 21, 22, 23, 25, तो ऐसे डेट्स होंगे, 3 या 4 डेट्स होंगे. तो जो सही होगा उस पर आपको क्लिक करना है. ठीक है, उसके बाद देखो हाउ मेनी डेज हैव फेब्रुअरी इन लीप ईयर. कितना डेज होता है फेब्रुअरी में इन लीप ईयर, यू नो दैट 29 डेज. ओके, नेक्स्ट इज द डैश सेपरेट्स एशियन अफ्रीका. कौन सा चीज़ जो एशियन अफ्रीका को सेपरेट किया हुआ है, तो वो आपको लिखना है. अच्छा, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज, यू नो वॉट इज द आंसर, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. ओके, वो लिखना है आपको. क्या है, व्हाट इज मीन बाय लिथोस, लिथोस का मतलब क्या है. ओके, लिथोस का मतलब क्या है, ये आपको लिखना है. लिथोस का मतलब क्या है आप बुक से ढूंढ के निकालोगे. हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड, कितना कॉन्टिनेंट्स है वर्ल्ड में. व्हाट इज मीन बाय पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन का मतलब क्या है. व्हाट इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, ऐसा अगर है व्हाट इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, तो ऐसा आ सकता है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. ओके, व्हाट इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. डैश जून इज कॉल्ड समर सॉल्स्टिस. तो ये जो डेट्स है ना, इक्विनॉक्स जो डेट्स है, वो डेट्स अच्छी तरह से आप लोग पढ़ोगे. डैश लिथोस्फियर कंसिस्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये आप लोग ढूंढ के निकालो. ठीक है, ये आप ढूंढ के निकालो, बुक में ही है. जो भी क्वेश्चन आएगा सिलेबस के अंदर ही आएगा, यू नो द सिलेबस. फिर भी मैं एक बार डिस्कस कर रही हूँ, देखो सिलेबस क्या है. चैप्टर 1, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7 है ना, मेजर लैंडफॉर्म्स तक है. एग्ज़ाम मेजर लैंडफॉर्म्स तक ही होगा. सो आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो स्टूडेंट, देखते रहो, अपने आप से ढूंढ के निकालो. इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ईच लाइन्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट. सो आपको हर एक लाइन बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है. ओके, हर एक लाइन, ईच लाइन हैज़ क्वेश्चंस. सो अच्छी तरह से ईच लाइन, आपको एवरी लाइन आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है. आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो. टेक अ स्क्रीनशॉट.
होप यू ऑल टेक अ स्क्रीनशॉट. सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स. ये सारे क्वेश्चंस आंसर करो आप लोग, और भी बहुत सारे क्वेश्चन डिविजन्स होंगे. सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स. सो टेक केयर, गुड बाय एंड कीप लर्निंग.